परिवार के घर दूसरी बार मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट। मॉब लिंचिंग घटना में मारे गए किसान परिवार को सहायता राशि प्रदान की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्यारी बेटी को पिता की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक परिवार में पूरा ध्यान दूंगा। इंदौर सावेर मनावर खिड़किया में मॉब लिंचिंग में मारे गए किसान गणेश पिता मनोज पटेल को स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से 4 लाख की आर्थिक स्वीकृत सहायता राशि दी गई। मारपीट में गंभीर घायल हुए 4 किसानों को इंदौर चोइथराम हॉस्पिटल में बेहतर चिकित्सा के निर्देश जारी किए हैं। किसानों का पूरा इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि धार पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से इस संबंध में लगातार संपर्क में हूं और बताया कि सरकार द्वारा किसी भी आरोपियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, भले वो कोई भी हो। कानून का खौफ सभी में होना चाहिए। दुखद घटना देवास जिले में हुई थी, उज्जैन के और सावेर के जो आपसी लेन की घटना बहुत दुखद मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उस परिवार को सम्मानीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, हमने उनसे अनुरोध किया था राहत राशि के रूप में 4 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए और इनका इलाज निःशुल्क मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध है। पूरी घटना की जांच के लिए एक टीम भी गठित है। वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि इस घटना का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार पीड़ितों को पूरी मदद करेगी। इस घटना के बारे में हुकुम सिंह सांकला ने कहा कि जो मंत्री सिलावट ने पीड़ित परिवार को वचन दिया है वो हर हाल में पूरा होगा। सिलावट जी ने विधायक रहते हुए वो वचन विधानसभा की जनता से किए। मंत्री सिलावट के साथ हुकुम सिंह सांकला, दिलीप चौधरी, मोहन खंडेलवाल, भारत सिंह चौहान, विक्रम चौधरी, गजराज सिंह गहलोत, आशीष चौधरी व अन्य मौजूद थे। इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।